अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बीटीक्यू यूनिवर्सिटी वी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आजकल सोशल मीडिया पर एक नोटिस चल रहा है 31 दिसंबर के हवाले से कि ओल्ड बीटीके के जितने भी अलॉटीज हैं, जिनकी फाइलें डिस्प्यूटेड एरियाज के अंदर हैं, जिसमें 29 एबीसीडी, 32 एबीसीडी, 33 एबीसी या 26 ए के जो अलॉटीज हैं डिस्प्यूटेड एरियाज के, 28 के जो अलॉटी हैं डिस्प्यूटेड एरियाज के, ऐसे तमाम अलॉटीज के जो डिस्प्यूटेड एरियाज के अंदर हैं, वो एक टेंशन का शिकार है कि इस हालत में क्या किया जाए, कि आया ये जो नोटिस है इनके लिए भी कोई परेशानी का सबब है कि नहीं। देखिए, नॉर्मली जो डिस्प्यूटेड एरियाज के लोग हैं उनको ज्यादातर मार्केट के अंदर दो मशवरे दिए जाते हैं। एक मशवरा तो ये होता है कि आप इसको किसी प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज करवा लें और कोई अपार्टमेंट ले लें, ऑफिस ले लें या कोई विला ले लें, कुछ भी आप ले लें किसी प्राइवेट बिल्डर से। दूसरी सूरत मार्केट के अंदर ये बताई जाती है कि आप जो है वो अपनी फाइल को मार्केट रेट पर बेच दें। डिस्प्यूटेड एरियाज के जितने भी लोग हैं, आप अपनी फाइल को मार्केट रेट पर बेच दें। अगर आपने अभी नहीं बेचा तो फिर जो है आपको दोबारा से चांस नहीं मिलने वाला। ये दो बातें मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा क्लाइंट्स को बताई जाती हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं दोनों ऑप्शंस पर कि नंबर वन, जो मशवरा दिया जाता है अलॉटी को कि आप अपनी फाइल को 100% मर्ज करवा लें किसी प्राइवेट बिल्डर के पास। तो देखिए, अगर कोई भी आप किसी भी प्राइवेट बिल्डर से कोई चीज परचेज करते हैं अपनी फाइल के अगेंस्ट, तो वो आपको इन पूरे पैसों में नहीं मिलनी। जिस तरह 125 गज का एक मिसाल है कि 100% भी अगर मर्ज कर लिया जाए तो आपकी जो मर्जिंग अमाउंट है वो है 15,95,000 रुपए के, जो आपकी मर्ज होने हैं किसी भी फाइल के अंदर। आप अगर कोई ऑफिस परचेज करते हैं किसी भी बिल्डर के पास से, तो कम से कम जो ऑफिस की जो अमाउंट है वो तकरीबन 30 लाख रुपए का है। 30 लाख रुपए का एक ऑफिस है कि जो आपको इसके अगेंस्ट मिलेगा, उसके लिए आपकी जो फाइल है वो 16 लाख रुपए की फाइल आपकी चली जाएगी। बाकी जो 14 लाख रुपए है वो आपने किस्तों में देना है उस बिल्डर को। ये ऑप्शन उनके लिए है कि जो ये चाहते हैं कि अपनी फाइल की हम मर्जिंग करवा लें, अपनी फाइल भी दे दें और कुछ अमाउंट और भी दे दें, तो कोई बैरिया प्राइवेट बिल्डर की किसी की प्रॉपर्टी को परचेज कर लें, तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। बाकी अगर आप ये सोचें कि इन्हीं पैसों के अंदर आपको कुछ चीज मिल जाए बैरिया के अंदर किसी भी प्राइवेट बिल्डर के पास, तो ऐसा नामुमकिन है। उसकी वजह मैंने आपको बताया कि कम से कम जो अमाउंट है वो 30 लाख रुपए का एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, इससे छोटा अमाउंट आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी भी जगह पर आप चले जाएं। इसके अलावा दूसरी बात जो आप लोगों को बताई जाती है कि अभी आप अपनी फाइल आज के रेटों के हिसाब से भेज दें और पता नहीं नेक्स्ट आपको फ्यूचर में फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है, क्यों मर्जिंग ऑप्शन ओपन होगा नहीं दोबारा से। जब मर्जिंग ऑप्शन ही नहीं होगा तो आपकी फाइल को कौन परचेज करेगा, ये भी मार्केट में लोगों को बताया जाता है क्लाइंट्स को। देखिए, ऐसा नहीं है। आप ये जो सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं ये बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। अगर आप मर्जिंग अपने शौक से करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवाएं, अपने शौक से फाइल को बेचना चाहते हैं तो बिल्कुल बेचें। लेकिन एक ऑप्शन और भी है रिलोकेशन के हिसाब से कि आपका जो प्लॉट है उसको बैरिया रिलोकेट कर दे किसी और प्रिसेंट के अंदर। रिलोकेशन के इस ऑप्शन पर एक डिटेल वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल पर डाली भी है ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको तफसील बताई है कि आपका जो प्लॉट है डिस्प्यूटेड एरियाज का, उस प्लॉट को आप कैसे रिलोकेशन करवा सकते हैं आप उसकी। उस डिटेल वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकेंगे। इस वीडियो में भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि रिलोकेशन का जो प्रोसेस है आप उसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप जो एप्लीकेशन देख रहे हैं इसी तरह की एप्लीकेशन आपको बैरिया के हेड ऑफिस से मिलेगी, और अगर आप इसकी कॉपी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके इसकी कॉपी आप मुझसे ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन को अच्छे से आप रीड करके इसको आप फिलअप कर दें, जो इसमें डिटेल मांगी गई है आपसे वो सारी डिटेल आप इसकी इसमें लिख दें। इसको फिलअप करने के बाद आपने इसके साथ अटैच करनी है एक अपनी CNSE की कॉपी, एक फाइल की कॉपी और उस दिन की फ्रेश स्टेटमेंट जिस दिन आप ये एप्लीकेशन जाके जमा करवाएंगे, ये सब आपने इसके साथ अटैच करना है इस एप्लीकेशन के साथ। अब इसको आप बैरिया के काउंटर पर जमा करवा दें। जब आप जमा करवा देंगे इसको तो स्क्रीन पर एक और आप एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये रिसीविंग की एप्लीकेशन है।
जब बैरिया आपसे एप्लीकेशन आपकी रिसीव कर लेगा तो इस तरह के स्टैंप लगाकर आपको वापस कर देगा और साथ में आपको इसका टाइम बता दिया जाएगा कि आपका जो प्लॉट है कितने दिनों में या किस टाइम किस दौरानिए में आपका जो प्लॉट है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये है वो प्रोसेस के जो आपने करना है अपनी फाइल को रिलोकेशन करवाने के लिए। एक बात और नोट कर लें कि ये जो सारा प्रोसेस है ये बैरियटन कराची हेड ऑफिस के अंदर होना है। आज से 2 महीने पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी रिलोकेशन के हवाले से। उस वीडियो को देखने के बाद मेरे बहुत से व्यूवर्स ने मुझे बताया कि बैरियटन पिंडी का जो ऑफिस है या फिर जो लाहौर का ऑफिस है वो इस केस को ले नहीं रहा, उन्होंने ये केस लेने से मना कर दिया है और कराची जाने का उन्होंने मशवरा दिया है। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये टोटल जो काम है वो कराची बैरियटन हेड ऑफिस के अंदर होना है। तो आपने जो भी प्रोसेस करना है वो आपको यहाँ पर खुद आकर करना पड़ेगा। ये वो तरीकेकार है कि जिसको इस्तेमाल करके बहुत से लोग फायदा उठा चुके हैं। आप भी अगर डिस्प्यूटेड एरिया के अलॉटी हैं तो आप भी इससे फायदा उठाएं। उम्मीद है कि आप इस सारे प्रोसेस को समझ चुके होंगे। अगर आपको किसी भी तरह की गाइडलाइन की जरूरत है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यह सब कुछ करने का फायदा क्या होगा। देखिए, इस टाइम जो आपकी पोजीशन है वो आप समझ लें कि सिफर पोजीशन पे आप खड़े हुए हैं। ये जो अमाउंट आपने लगाया हुआ था, जो बैरियर को आपने अमाउंट दिया था आज से 6-7-8 साल पहले, वो अमाउंट समझ लें कि बैरियर के किसी खाते में नहीं है। आप डिस्प्यूटेड पड़े हुए हैं, जब तक पड़े रहे कुछ नहीं पता इसके बारे में कब आप ऑन ग्राउंड होते हैं। लेकिन अगर आपका प्लॉट रिलोकेट हो जाता है प्रेसेंट 63 में भी, तो प्रेसेंट 63 की इस टाइम जो मार्केट वैल्यू है वो तकरीबन कोई 21 लाख रुपए की है, प्लस माइनस 21 लाख रुपए की। अगर आपको बैरिया टाउन प्रेसेंट 63 में भी अगर शिफ्ट कर देता है तो आपकी जो फाइल है वो 21 लाख रुपए की वर्थ के ऊपर आज की मार्केट के हिसाब से खड़ी हुई है। क्योंकि मोस्टली लोगों को बैरिया ने 63 के अंदर शिफ्ट किया है, इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि 63 के अंदर आपको शिफ्ट करेगा बैरिया। तो 63 के आज के रेट के हिसाब से भी आप कम से कम आपका शुमार जिंदा लोगों में हो जाएगा। अभी जो आपकी मौजूदा सिचुएशन है इस सिचुएशन से आप 100% बेहतर उसके अंदर आप आ जाएंगे। अगर हम देखें इसकी लोकेशन को 63 और 2 और 3 दोनों की, तो लोकेशन अभी तक इन दोनों की कंफर्म नहीं है। बैरियर टाउन में कहीं भी आप किसी भी जगह पर आप जाके ये नहीं कह सकते कि 62 और 3 की ये लोकेशन है, ना ही बैरियर इसके बारे में आपको बताता है। लेकिन क्या है कि एक्टिव फाइल्स हैं ये दोनों मार्केट में इजीली ट्रेड होती हैं। इनका मैप एचडी मैप मौजूद है। आपकी फाइल जब एक्टिव हो जाएगी, एक्टिव होने के बाद मार्केट का किसी भी तरह का उतार चढ़ाव आप उससे डायरेक्टली फायदा ले सकेंगे। कम से कम अगर रेट ऊपर जाता है तो आप इसको बेचने की, अगर आप चाहते हैं बेचना तो ऊपर के जो रेट होंगे उन रेटों में आप इसको बेच भी सकेंगे। और अगर आप मेरे ख्याल में इंतजार कर लेंगे तो हो सकता है कि जिस तरह 61 की लोकेशन कंफर्म हो चुकी है, इसी तरह 62 और 3 की लोकेशन भी कंफर्म हो जाए। तो ये जो चांस है, इस चांस को आप अवेल करते हैं तो ये चांस आपके लिए हर तरह से बहुत ज्यादा मुफीद है, बनिस्बत इसके कि आप किसी मर्जिंग ऑप्शन में जाएं या फिर आप औने पौने रेटों के अंदर, आज के रेटों के अंदर आप अपनी फाइल को मार्केट के अंदर सेल करें। मेरे ख्याल है कि आप इस चांस को अवेल करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों के लिए जितने भी अलॉटीज हैं उन तमाम के लिए आसानी करें, आप लोगों की जो परेशानियां हैं वो खत्म हो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे बैरियटन कराची में बिल्ड प्रॉपर्टीज के रेट्स, इनकी मार्केट सिचुएशन और मार्केट ट्रेंड। जब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।